तो भाई यार अर्निंग एप्लीकेशन का आ चुका है पार्ट फोर वीडियो। और जिन लोगों ने पार्ट वन, पार्ट टू और पार्ट थ्री नहीं देखी, तीनों वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से जाके आप लोग चेकआउट कर सकते हो और उसके बाद आप लोग इस वीडियो को देख सकते हो। क्योंकि पहले तो इंपॉर्टेंट चीज़ें आप लोग पहले कवर कर लीजिए, उसके बाद आप लोग ये पार्ट देखिए। तो किस तरीके से हम लोग यार अर्निंग एप्लीकेशन का ये वाला पार्ट कंप्लीट करने वाले हैं वो हम लोग देख लेते हैं। पहले तो यार हम लोग को कुछ यहाँ पे पेजेस क्रिएट करने हैं और उसके साथ साथ गाइज हम लोग को कुछ यहाँ पे एड्स की कोडिंग भी करना सीखना होगा, क्योंकि काफ़ी लोग बोल रहे थे कि उन्हें एड्स की कोडिंग करने में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर डिफ़िकल्टी आएगी। तो उन लोगों के लिए गाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं यार बिना किसी देरी के। तो सबसे पहले आप लोग को करना क्या है, आपको सिंपली जाना है वेबसाइट में यार थंकेबल में। थंकेबल में आने के बाद गाइज आप लोगों को क्या करना है मैं आपको बता ही रहा हूँ, क्योंकि काफ़ी लोग को इस पर लॉगिन करने में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको मैं बता देता हूँ क्या करना होगा। सिंपली लॉगिन वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लीजिए, उसके बाद ये नीचे ऑप्शन आता है क्लिक हेयर फॉर क्लासिक प्लेटफॉर्म, इस पर क्लिक करते हैं एंड आप लोग यहाँ से साइन इन हो जाइए। तो यहाँ पे मैं नॉर्मली यहाँ पर साइन इन हो चुका हूँ। उसके बाद आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन को क्रिएट कर लीजिए। यहाँ पे ऑलरेडी हम लोग एक एप्लीकेशन को क्रिएट कर लें, ठीक है। तो इसलिए जिन्होंने भी तीनों पार्ट नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तीनों के तीनों पार्ट मिल जाएंगे, वहाँ से देख लीजिए सबसे पहले आप लोग। वहाँ पे डिज़ाइनिंग और थोड़ी बहुत कोडिंग भी मैंने वहाँ पर बताई है, ठीक है। तो इस तरीके का हम लोग का एप्लीकेशन था। सबसे पहले तो हम लोग इसका जो थोड़ा बहुत डिज़ाइन बचा है वो हम लोग कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो का इधर बड़ी हो जाएगी तो मैं चाहता भी नहीं यार नेक्स्ट पार्ट बनाना, तो इसी में सब कुछ कवर कर दूंगा। तो अगर बड़ी भी हो जाती है तब भी यार कोई बात नहीं, ठीक है, देख लेना पूरा एंड तक। तो आपको अब करना क्या है, सिंपली आप लोग को चलना है गाइज होम वाली स्क्रीन पे। यहाँ पे देख सकते हो यार हम लोगों ने टास्क वाला सिर्फ बटन के लिए अभी पेजेस क्रिएट किए हैं, लेकिन अभी वर्किंग, पेमेंट, कॉन्टैक्ट ये सारे पेजेस नहीं बनाए। तो सबसे पहले तो हम लोग ये सारे पेजेस भी यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहला जो हम लोग यहाँ पर पेज क्रिएट करने वाले हैं वो होगा वर्किंग का। तो सिंपली चलते हैं ऐड स्क्रीन पर और इसका नाम डाल देते हैं कैपिटल W और फिर इसको कर देते हैं वर्किंग। W कैपिटल होना चाहिए, स्मॉल नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिंपली इसको ऐड कर लेते हैं। ऐड करने के बाद थोड़ा सा हम लोग वेट कर लेते हैं और हमारे पास वर्किंग वाली स्क्रीन यहाँ पर ओपन हो चुकी है। तो सबसे पहला काम तो यही होगा गाइज कि इसका ये जो आ रहा है टॉप पे इसको हम लोग रिमूव कर लेते हैं। इसके लिए क्या करना होगा, प्रॉपर्टीज़ में जाना होगा और नीचे हम लोग स्क्रॉल करते हैं और नीचे देखिए टाइटल विजिबल का ऑप्शन आ चुका है। इसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे रिमूव कर देते हैं। रिमूव कर दिया, हमारी स्क्रीन बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। अब आपको पहले तो बैकग्राउंड कलर सेलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ पर कोई भी एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल येल्लो कर लिया, ठीक है, मैंने इसका कलर अब येल्लो सिलेक्ट कर लिया। अब इसका नाम क्या है, वर्किंग, किसमें काम कैसे करना है। तो काफ़ी सिंपल काम है गाइज, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सिंपली हम लोग को चाहिए होगा एक यूज़र इंटरफेस में क्लिक करना होगा और यहाँ पे लेबल हम लोग यहाँ पर डाल देंगे। इस तरीके से हम लोग को लेबल डालना है। सबसे पहले तो इसका फॉन्ट साइज़ हम लोग यहाँ पर चेंज करेंगे। इसका फॉन्ट साइज़ गाइज हम लोग यहाँ पर कर लेते हैं 20, ठीक है, 20 ठीक रहेगा। अगर चाहें तो 25 भी कर सकते हैं हम लोग, तो 25 हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद नीचे आना है, नीचे आने के बाद ये जो गाइस विड्थ वाला ऑप्शन है ये आपको क्या करना है, ये आपको कर देना है 90% और फिर ओके करना है, ठीक है, इतना काम हो चुका। उसके बाद हम लोग को आना है नीचे, नीचे आने के बाद गाइस यहाँ पे जो लेबल वन लिखा है इसकी जगह आपको क्या लिखना है, जिस तरीके से आप लोग का एप्लीकेशन वर्क करे आपको क्या करना है, सिंपली यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक ऑन टास्क एंड देन कंप्लीट ऑल दी टास्क आफ्टर कंप्लीटिंग, ठीक है, मतलब जो भी आप लोग यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखना चाहते हो आप लोग लिख सकते हो। मैं रैंडमली कुछ भी यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ आफ्टर कंप्लीटिंग ऑल टास्क गेट योर पेमेंट। सिंपल मैंने ये लिखा है बट आप लोग पूरा यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए मैंने सिर्फ इतना सा लिखा है, ठीक है। तो ये अभी तक हम लोगों ने सिर्फ टेक्स्ट लिखा है, लेकिन इसके डिज़ाइन के लिए हम लोग जा सकते हैं। नीचे ऑप्शन आता है टेक्स्ट कलर, तो उसको गाइज मैं यहाँ पे ब्लू वगैरह कुछ भी कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद इसका आप लोग फॉन्ट भी चेंज कर सकते हैं, मैं इसको बोल्ड कर रहा हूँ, ठीक है, अब कुछ इस तरीके का दिखेगा ये। उसके बाद चाहे तो हम लोग यहाँ पर एड्स भी डाल सकते हैं, मैंने आप लोग को बताया था किस तरीके से एड्स डालना है। सिंपली हम लोग को सबसे नीचे आना है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल वाले ऑप्शन में, इस पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम लोग एड मॉब बैनर ऐड कर लेते हैं और इसको ओके कर लेते हैं। अब एड मॉब बैनर देखिए किस जगह आ रहा है, तो हम लोग इसको सबसे ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। हम लोगों ने एक यहाँ पर ऐड डाल दिया, सिर्फ इतना आपको करना, एक ही ऐड डालनी है और यहाँ पे विजिबल को हम लोग यहाँ पर हटा देंगे, ठीक है, सॉरी टेस्ट मोड को आप लोग यहाँ पे हटा देना होगा। उसके बाद आप लोग चलिए यहाँ पे लेआउट वाले ऑप्शन में,
लेआउट वाले ऑप्शन में हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पे सिलेक्ट करके यहाँ पर डाल रहे हैं। अब ये कुछ सही लग रहा है, एड्स यहाँ पे आएगी और टेक्स्ट यहाँ हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोगों ने अपना पहला पेज बना लिया। उसके बाद गाइज हम लोग को एक और स्क्रीन यहाँ पर ऐड करनी है, वो भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। सिंपली चलते हैं हम लोग गाइज होम पे, होम पे देख सकते हो यहाँ पे पेमेंट वाला स्क्रीन बनाना है हम लोग को। तो पेमेंट वाले स्क्रीन के क्या करेंगे, हम लोग सिंपली ऐड स्क्रीन पे क्लिक करते हैं और इसका नाम डाल देते हैं कैपिटल पी और बाकी सब स्मॉल पेमेंट। जो भी चीज़ मैं कर रहा हूँ सेम वही चीज़ आप लोगों यहाँ पे करनी है। तो स्क्रीन का नाम हमने डाल दिया पेमेंट, उसके बाद इसका भी टाइटल हम लोग यहाँ पे रिमूव कर देते हैं, नीचे आते हैं और टाइटल विजिबल हटा देते हैं। फिर इसका बैकग्राउंड कलर हम लोग वही यार येलो कर लेते हैं, आप लोग कुछ भी कर सकते हो। फिर यहाँ पर भी हम लोग नॉर्मली जो टेक्स्ट लिखेंगे, ठीक है, टेक्स्ट क्या लिखेंगे वो देख लेते हैं। तो सिंपली चलते यूज़र इंटरफेस में और यहाँ पर हम लोग को क्या सिलेक्ट करना है, लेबल, लेबल को हम लोग यहाँ पर ले आए हैं। उसके बाद इसका साइज़ हम लोग कर लेते हैं 25 और इसका बोल्ड कर लेते हैं। ठीक है, आप लोग कुछ भी यहाँ भी कर सकते हो। उसके बाद नीचे आना है आप लोग को, इसका विड्थ जो है कर लेना है 90%, 90% फिर ओके कर लेते हैं। उसके बाद आपको क्या टेक्स्ट लिखना है वो मैं आप लोग यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, तो इस बार टेक्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिखना है, योर पेमेंट विल बी गिवन विद इन 24 आवर्स, मैंने ऐसा लिखा है, आप लोग भी कुछ ऐसा ही लिख दीजिएगा। ठीक है, तो हमारा एक और स्क्रीन कंप्लीट हो चुका है, इसका भी हम लोग डिज़ाइन कर लेते हैं, इसका भी टेक्स्ट कलर हम लोग रेडी कर लेते हैं। ठीक है, ये काम भी अपना हो चुका है। उसके बाद हम लोग को एक और स्क्रीन बनानी है, देख लेते हैं कौन सी हम लोग को बनाना है, कॉन्टैक्ट का, मतलब अगर आप लोग अपना कॉन्टैक्ट यहाँ पे डालना चाहते हो या फिर नहीं, तो क्या करना है, ऐड स्क्रीन पे क्लिक करना है, इसका नाम डालना है कॉन्टैक्ट, ओके, सी कैपिटल, बाकी सब कुछ स्मॉल, और हमें लिखना है यहाँ पे कॉन्टैक्ट। जिस तरीके से लिख रहा हूँ सेम उसी तरीके से हम लोग को यहाँ पे लिखना है और ऐड वाले ऑप्शन में क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग यहाँ पे क्लिक करते हैं न्यू स्क्रीन अपनी ओपन हो जाती है और इसका भी हम लोग टाइटल विजिबल यहाँ से हटा देते हैं। सिंपली यहाँ पे क्लिक करके टाइटल विजिबल को हमने यहाँ पर हटा दिया, देख सकते हो। ठीक है, सो अब दोबारा से हम लोग यहाँ पे बैकग्राउंड का कलर कर लेते हैं येलो, और येलो कर लिया हमने, और उसका दोबारा से हम लोग यहाँ पे एक लेबल सिलेक्ट करेंगे और इसका भी साइज़ हम लोग यहाँ पे 25 कर रहे हैं और इसको भी बोल्ड कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे विड्थ वाले ऑप्शन में आके इसको 90% कर रहे हैं और इस बार टेक्स्ट क्या लिखना है वो हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ओके, सो अब हम लोगों ने टेक्स्ट यहाँ पे क्या लिखा है, कॉन्टैक्ट अस रिगार्डिंग पेमेंट, और फिर यहाँ पर हम लोग अपना यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर डाल देंगे जिसको भी कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो इसका भी डिज़ाइन चेंज करने के लिए मैं इसका कलर भी रेड कर ले रहा हूँ। ठीक है, तो कुछ इस तरीके का डिज़ाइन होगा। अब ये सब पेजेस ओपन कैसे होंगे उसकी भी बात करते हैं, लेकिन गाइस हमने जो लास्ट टू पेजेस क्रिएट किए हैं उसमें हम लोग थोड़ा यहाँ पे एड्स डाल लेते हैं। ठीक है, फिर हम लोग एड्स डाल चुके हैं यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल में जाके, उसके बाद लेआउट में जाके हॉरिजॉन्टल अरेंजमेंट को हम लोग यहाँ पर डाल लेते हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पर एक और यहाँ पे क्रिएट किया था पेमेंट वाला, तो इसमें भी हम लोगों ने एड्स नहीं डाली और इसमें एड्स डालने की ज़रूरत भी नहीं है। ठीक है गाइज, यहाँ पर जो है आप लोग मत डालिएगा एड्स। ठीक है, तो उसके बाद अब क्या करना है, हमें चलना है सिंपली यहाँ पर होम स्क्रीन पे, होम पे आना है, उसके बाद आपको जाना है पे ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में। बट उससे पहले हमें क्या करना है, हमने जो कॉन्टैक्ट बनाया है उसमें एड्स वाले पे जो है क्लिक करना है और टेस्ट मोड को हम लोग यहाँ पे हटा देंगे। ठीक है, अपना काम हो चुका। उसके बाद फिर चलते हैं होम पे, होम पे आने के बाद हम लोग को चलना है ब्लॉक्स पे, ब्लॉक्स पे आ चुके हैं। उसके बाद क्या करना है गाइस, हम लोगों ने यहाँ पे दो एड्स डाले हैं। ठीक है, अब क्या होगा, यहाँ पे आपको सिंपली करना है, आपको होम वाले स्क्रीन पे क्लिक करना है। ठीक है, इस पे क्लिक करना है, इस पे क्लिक किया और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है वैन होम स्क्रीन एनालाइज। ठीक है, इसको हम लोग यहाँ पे डाल देंगे। क्या होगा, फिर नीचे आना है आप लोगों को और आप लोगों ने यहाँ पर ये सिलेक्ट किया हुआ है एड मॉब बैनर वन, इस पर टैप कीजिए और यहाँ पे लिखा हुआ है कॉल एड मॉब बैनर लोड एड, इसको हम लोग सिंपली यहाँ पे कर लेते हैं। फिर सेम इसी तरीके से एड मॉब बैनर टू का कॉल एड मॉब बैनर टू लोड एड, इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर भी है एड मॉब बैनर इंटरस्टिशियल, इसको भी सिलेक्ट करते हैं और कॉल एड मॉब बैनर इंटरस्टिशियल, ये काम हो चुका। उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, दोबारा हम लोग इन्हीं पे क्लिक करेंगे एड मॉब बैनर वन पे, इस पे हम लोग क्लिक करेंगे, फिर लिखा हुआ है यहाँ पर ऊपर देखिए व्हेन एड मॉब बैनर एड लोडेड डू, ये हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद दोबारा इस पर टैप करते हैं और यहाँ पर लिखा हुआ है, देख सकते हो सबसे लास्ट वाला ऑप्शन सेट एड मॉब बैनर विजिबल टू, इस पर क्लिक किया हमने। उसके बाद फिर हमें दोबारा इस पर क्लिक करना है और फिर यहाँ पे ऊपर देख सकते हो एक ऑप्शन है सेट एड मॉब बैनर पर्सनलाइज एड्स, इसको भी हम लोग सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद ऊपर जाना है बिल्कुल ऊपर और लॉजिक वाले ऑप्शन में क्लिक करना है, यहाँ पे ट्रू को आपको सिलेक्ट करना है।
ठीक है, फिर दोबारा से आप लोग को ट्रू वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, मैं आपको भी एड्स लगाना सिखा रहा हूँ। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे एड्स लगा दिए। अब हमें सेम इसी तरीके से एड मॉब बैनर 2 के लिए भी करना है, तो सिंपली चलते हैं हम लोग एड मॉब बैनर 2 में और फिर करते हैं व्हेन एड मॉब बैनर एड लोडेड डू, उसके दोबारा इस पर टैप करते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं सेट एड मॉब बैनर विजिबल 2, फिर दोबारा इस पर क्लिक करके पर्सनलाइज एड्स ये करना है, फिर जाना है हम लोग को लॉजिक वाले ऑप्शन में, फिर इसको करते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। ठीक है, फिर इसको भी कर लेते हैं यहाँ पे सिलेक्ट। उसके बाद लास्ट आता है अपना इंटरस्टिशियल, इसमें भी आप लोग सेम चीज़ यहाँ पे कर सकते हो, व्हेन एड मॉब इंटरस्टिशियल लोड, उसके बाद सेट एड मॉब बैनर पर्सनलाइज 2, और इसको क्या करना है आप लोगों को लॉजिक पे जाना है और इसको ट्रू कर लेना है। ठीक है, अब हमारी एड्स शो होने लगेंगी। ठीक है, उसके बाद हमने ये इन बटनों के लिए अभी तक कोडिंग नहीं की, ठीक है, इन तीन बटनों के लिए, तो इसके लिए भी हम लोग यहाँ पे कोडिंग कर लेते हैं। तो ब्लॉक्स में आ चुके हैं हम लोग और यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको नीचे आना है, बटन 2 पे क्लिक करना है, फिर लिखना है यहाँ पे व्हेन बटन क्लिक डू, उसके बाद डिज़ाइनर में चलते हैं ये, फिर हम लोग वर्किंग वाले बटन पे क्लिक करते हैं। ये देखिए बटन 2 है, वर्किंग वाला, ठीक है, बटन 2 है, हम लोग बटन 2 पे क्लिक किए और ये वर्किंग वाला बटन है। ब्लॉक्स में जाना है, व्हेन बटन 1 क्लिक डू, फिर क्या करना है कंट्रोल में जाके नीचे आना है थोड़ा सा और इसे सिलेक्ट करना है, ओपन अनदर स्क्रीन और स्क्रीन नेम। ठीक है, फिर आपको जाना है टेक्स्ट वाले ऑप्शन में और सबसे ऊपर चले जाना है, यहाँ पे टेक्स्ट क्या लिखना है, W कैपिटल होगा, बड़ा W, और बाकी सब कुछ स्मॉल में वर्किंग लिख देंगे। ठीक है, अपना ये काम हो चुका। उसके बाद चलते हैं डिज़ाइनर में और हम लोग देखते हैं पेमेंट वाला बटन कौन सा है, तो इस पर हमने क्लिक किया और ये देख सकते हो बटन 3 है। तो ब्लॉक्स में हम लोग को जाना है और यहाँ पे सिलेक्ट करना है बटन 3, व्हेन बटन 3 क्लिक डू, फिर ये इसे करेंगे हम लोग कंट्रोल में जाके ओपन अनदर स्क्रीन, ये हमने सिलेक्ट किया। उसके बाद टेक्स्ट में जाके स्क्रीन का नेम, स्क्रीन का नेम हम लोग यहाँ पे क्या डालने वाले हैं, पेमेंट, और पेमेंट का जो पी है वो कैपिटल होगा, क्या होगा, कैपिटल होगा। ठीक है, हम लोग पेमेंट लिख दिए, कोई भी यहाँ पे स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ओके, ये भी अपना काम हो चुका। फिर कॉन्टैक्ट वाला देखोगे ये है बटन 4, तो हम लोग इसका भी कर लेते हैं, नीचे आते हैं और यहाँ पे लिखा हुआ व्हेन बटन 1 क्लिक डू, दोबारा वही जाना है लॉजिक में, मतलब कंट्रोल में, और नीचे आना है ओपन अनदर स्क्रीन, स्क्रीन नेम, उसके बाद टेक्स्ट सिलेक्ट करते हैं और इसको यहाँ पे डाल लेते हैं। इसमें आपको क्या करना है, कैपिटल सी और बाकी सब कुछ स्मॉल और कॉन्टैक्ट लिख देना है। ठीक है, ये हमारा होम स्क्रीन की कोडिंग हो चुकी है। अब क्या करना है, हम लोग यहाँ पे चलते हैं टास्क 1 में। ठीक है, टास्क 1 में भी हम लोगों के लिए एड्स के लिए कोडिंग करनी होगी, तो सिंपली चलते हैं ब्लॉक्स वाले ऑप्शन में और यहाँ पर देख सकते हो टास्क वाले ऑप्शन में हम लोग क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं और लिखा हुआ है व्हेन टास्क 1 इनिशियलाइज 2, किया हमने इस पर क्लिक और फिर करना है आपको एड मॉब बैनर 1, कॉल एड मॉब बैनर 1, फिर सेम उसी तरीके से कॉल एड मॉब बैनर 2, और एट द एंड यहाँ पे इंटरस्टिशियल हमने लगाया है तो कॉल इंटरस्टिशियल एड। ठीक है, ये अपना काम हो गया। उसके बाद हम लोग दोबारा यहाँ पे क्लिक करते हैं एड मॉब बैनर 1 में, इस पर हमने क्लिक किया और व्हेन एड मॉब बैनर 1 लोडेड डू, इसको हम लोग फिर दोबारा सेलेक्ट करते हैं सेट एड मॉब बैनर विजिबल 2, और फिर दोबारा इस पर क्लिक करके सेट पर्सनलाइज एड्स ट्रू, फिर लॉजिक में चलते हैं और इसको ट्रू और इसको भी ट्रू कर देते हैं। तो आप से देख रहे हो इसमें काफ़ी टाइम वेस्ट हो रहा है। ठीक है, तो मैं आपको एक शॉर्टकट बताता हूँ इसका। आपको क्या करना है, ये जो भी आप लोग ये सिलेक्ट कर रहे हो इस पर आपको करना है राइट क्लिक, कौन सा क्लिक, राइट क्लिक, और फिर डुप्लीकेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ठीक है, मैंने इस पर राइट क्लिक किया और डुप्लीकेट पे, फिर यहाँ पे देखिए 1111 है, आपको यहाँ पे 22 कर देना है। ठीक है, देखिए मैंने 22 कर दिया और हमारी ये कोडिंग हो चुकी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा अपना काम यहाँ पे फास्ट कर सकते हैं, लेकिन आप लोग चाहे तो स्लो स्लो कर सकते हो। वैसे करना क्या, आपको राइट क्लिक करनी है, माउस का राइट क्लिक करना है, लेफ्ट करोगे तो ऐसा हो जाएगा, राइट करोगे तो डुप्लीकेट का ऑप्शन आएगा। मैंने इस पर क्लिक किया और बाकी सबको 2222 कर दिया। ठीक है, इस तरीके से हम अपना काम फास्ट करेंगे। फिर हम करते हैं एड मॉब बैनर इंटरस्टिशियल, तो इसको कॉल करते हैं हम लोग एड लोड एड, उसके बाद सेट एड मॉब बैनर एड पर्सनलाइज 2, फिर लॉजिक में जाके इसको भी कर लेते हैं ट्रू। ठीक है, इस तरीके से काम हो गया। फिर चलते हम लोग टास्क 2 में, तो टास्क 2 में भी करना है, हम लोग इस बटन पे क्लिक करते हैं टास्क 2 पे और इसको कर लेते हैं नीचे आके व्हेन टास्क 2 इनिशियलाइज 2 एड मॉब बैनर 1, हम लोग इसको करते हैं कॉल, फिर करते हैं एड मॉब बैनर 2 को कॉल, फिर
फिर करते हैं इंटरस्टिशियल को कॉल, कर लिया हम लोगों ने, काम हो गया। एड मोब बैनर वन, व्हेन एड मोब बैनर एड लोडेड डू, फिर करते हैं सेट एड मोब बैनर वन विजिबल टू, फिर करते हैं इसको भी हम लोग पर्सनलाइज्ड, फिर चलते हैं लॉजिक में, इसको करते हैं ट्रू, ओके। एंड इसको भी लॉजिक में जाके हम लोग करते हैं ट्रू, फिर क्या करेंगे राइट क्लिक करेंगे, ठीक है, फास्ट करने के लिए, और हर जगह क्या कर देंगे टू टू टू, इस पर क्लिक करो टू, इस पर क्लिक करो टू, इस पर क्लिक करो टू, हो गया। फिर इंटरस्टिशियल पे क्लिक करते हैं, देखिए नीचे ऑप्शन है इंटरस्टिशियल का, करते हैं व्हेन एड मोब इंटरस्टिशियल लोडेड सेट एड मोब, फिर करते हैं लॉजिक और इसको करते हैं ट्रू, ठीक है, ये काम भी हो चुका। फिर टास्क थ्री में भी हम लोग ये चीज़ कर लेते हैं, इस पर सिंपली क्लिक करेंगे इनिशियलाइज डू, फिर चलेंगे एड मोब बैनर वन, कॉल एड मोब बैनर वन, फिर कॉल एड मोब बैनर टू, और उसके बाद एट द एंड इंटरस्टिशियल। फिर करना है हमें बैनर वन पे क्लिक, और व्हेन एड मोब बैनर वन लोडेड, फिर करना है हम लोग को विजिबल टू, ठीक है। तो ये करते जाना है आप लोगों को, आई होप यार अब आपको समझ आ गया होगा किस तरीके से हम लोगों को एड्स लगानी है। ज़्यादा कुछ करना नहीं है, सेम प्रोसेस है, मैं बार बार दिखा रहा हूँ ताकि आप लोगों को खुद समझ आ जाए, उसके बाद गैस मैं समझाऊंगा भी नहीं। तो दोबारा यहाँ पे डुप्लीकेट पे क्लिक करते हैं, राइट क्लिक और डुप्लीकेट, तो सबकी जगह क्या करना है टू टू और टू, ठीक है, हम लोगों ने कर लिया। उसके बाद बचा हमारा इंटरस्टिशियल, इस पर क्लिक करते हैं व्हेन इंटरस्टिशियल लोडेड, फिर करते हैं सेट एड मोब बैनर, और इसको करते हैं लॉजिक में जाके ट्रू, ठीक है। तो इस तरीके से हो जाएगा, और इस तरीके से आपको क्या करना है टास्क फोर, टास्क फाइव, और इसी तरीके से सब में ऐड करना है। मैं अब आपको कुछ बताऊंगा नहीं, बस वीडियो में ऑन रखूंगा, पॉज वगैरह नहीं करूंगा, आपके सामने सब कुछ करूंगा ताकि आप लोगों को सब कुछ यहाँ पे समझ आ जाए, ठीक है। आप लोग यहाँ पे स्लो मोशन में देख भी सकते हो, ठीक है। तो मैं वही प्रोसेस यहाँ पे रिपीट कर रहा हूँ, ओके। तो सेम प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ नहीं है, इस बार मैं थोड़ा फास्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। तो आप लोग बस देखिए गाइस, काफ़ी सिंपल चीज़ है, इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत है, ठीक है। तो वही प्रोसेस है, मैं पहले इसको कॉल करूँगा, फिर दूसरे वाले को भी कॉल करूँगा, ठीक है, और फिर तीसरा इंटरस्टिशियल है, इसको भी कॉल करूँगा, ये मैंने कॉल कर लिया। उसके बाद इस पर क्लिक करूँगा व्हेन एड मोब बैनर एड लोडेड डू, और फिर इसको हम करेंगे विजिबल टू, फिर करते हैं हम इसको पर्सनलाइज्ड, ठीक है। ऐसे करते जाना है आप लोगों को, बस और कुछ भी नहीं है इसमें। फिर ट्रू कर लेते हैं इसको, ठीक है, तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। उसके बाद फिर डुप्लीकेट इसका बनाते हैं, और हर जगह क्या करना है टू 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 करना है, तो सेम वही चीज़ है, ज़्यादा कुछ इसमें नहीं है। फिर इंटरस्टिशियल के लिए भी वही जो हमने पहले किया था वही करने वाले हैं, ज़्यादा कुछ डिफरेंट नहीं करने वाले हैं। और ये अपना ये स्क्रीन भी रेडी हो गया। तो इस तरीके से आपको सारी स्क्रीन रेडी करनी है, मैं वीडियो को पॉज कर रहा हूँ क्योंकि अब आपको पता चल चुका है कि किस तरीके से ऐड करते हैं, ठीक है। मैं देखिए अभी टास्क फाइव में डालूंगा, फिर टास्क सिक्स में भी एड्स डालूंगा, फिर ऐसे जितने भी बचे हैं सब में एड्स डाल दूंगा, ठीक है। तो हम लोग चलते हैं अब एड्स डालते हैं, ओके गाइस। तो हमने अब हर जगह एड्स डाल दिए हैं, ठीक है, देख सकते हो टास्क फाइव, टास्क सिक्स, और फिर टास्क वाले में देखिए एक ही बैनर डाला था और एक इंटरस्टिशियल डाला था, इसमें एड्स डाल दिए। फिर वॉलेट में भी हम लोगों ने एड्स डाल दिए, एक एक एड्स इसमें भी हैं, और फिर वर्किंग में भी एड्स डाला एक, और पेमेंट में हमने एड्स नहीं डाला है, और फिर कॉन्टैक्ट में भी हमने एड्स डाल दिया है। इस तरीके से आप लोगों ने एड्स डाल दी, ठीक है। तो जिन लोगों का भी ये था प्रॉब्लम कि उन्हें एड्स डालने नहीं आ रही है और उन्हें देख रहे हैं किस तरीके से एड्स आएंगी, तो गाइज ये पूरा प्रोसेस है, लेकिन अभी भी एड्स शो नहीं होंगी, उसका भाई मैं नेक्स्ट पार्ट लाना पड़ेगा, बिकॉज सर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा क्योंकि उसमें टाइम लगता है, ठीक है। तो बस यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट में, आज के लिए इतना ही, ज़्यादा कुछ करा नहीं हमने, सिर्फ मैंने आपको बताया किस तरीके से एड्स को हम लोग यहाँ पे डालेंगे, देख सकते हो नॉर्मली हम लोगों ने यहाँ पे एड्स को डाल दिया काफ़ी सिंपल तरीके से और काफ़ी बार एक्सप्लेन किया है। तो बस यार मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।